जो गुरुकुल विभाग में काम करते हैं, चाहे वो अध्यापक के रूप में काम करते हैं, चाहे किसी अन्य व्यवस्था में वो सहयोग करते हैं, उन सबका अभिनंदन। हमारे गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी अभिनंदन। हमारे गुरुकुल के ये छोटे छोटे बच्चे, जिनके निर्माण की योजना स्वामी श्रद्धानंद जी ने हम सबके सामने रखी है, उन बच्चों को भी प्रणाम। और हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे ये विद्यार्थी महाविद्यालय से पहुँचे, आप सबका भी अभिनंदन है। हमारे जो और व्यवस्था में साथी, चाहे पुलिस के साथी हैं, चाहे इस रोडवेज सेफ्टी में जो लगे हैं, उन सबका अभिनंदन करते हुए मुझे बहुत थोड़े समय में आपके बीच में कुछ बातें रखनी हैं। आज स्वामी श्रद्धानंद जी का 95वां बलिदान दिवस हम लोग मना रहे हैं। हमें ये भी आज जानने की आवश्यकता है कि स्वामी श्रद्धानंद जी को आज हम क्यों याद कर रहे हैं, उनका बलिदान किस लिए हुआ था, उन बातों के ऊपर आज चिंतन मनन मंथन करने की आवश्यकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी अपने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इस तरह के कार्य करते रहे जो उनको आम आदमी से बहुत अलग स्थापित करते हैं। अन्य सन्यासियों से वो अलग दिखाई देते हैं, अलग राजनेताओं से भी कहीं ना कहीं पंक्ति में खड़े दिखाई देते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी की वो कौन सी बातें थी जिनको आज हम याद कर सकते हैं, या जैसे योगेश जी ने मन संचालन करते हुए कहा कि आज हम संकल्प लेंगे माल्यार्पण करके नहीं, स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों की हत्या करके नहीं, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का विचार करके यदि हम चलेंगे तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और स्वामी श्रद्धानंद जी कौन कौन से संकल्प अपने जीवन में लेकर के चले थे, उनके ऊपर एक बार दृष्टिपात करने की आवश्यकता है, उनको देखने की आवश्यकता है, अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है, संकल्प लेकर के उठ खड़ा होने की आज आवश्यकता दिखाई देती है। स्वामी श्रद्धानंद जी का सबसे ऊंचा कद कब दिखाई पड़ता है? स्वामी श्रद्धानंद जी भगवान सन्यासी जब इस आज़ादी के आंदोलन में कूदता है तो एक अलग समा बांध देता है। जब वो देश के कोने कोने में जाकर के लोगों को आह्वान करते हैं कि आज़ादी के आंदोलन को लड़ना है, तो एक अलग तरह की फिजा उनके पीछे पीछे खड़ी हो जाती है। मैं आपको 1919 के उन पन्नों को उलटने के लिए कहूँगा जो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखे हुए हैं। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन जब रखा गया अमृतसर के अंदर, और आप सभी को पता है जब 1919 का शुरुआती दौर चला, 14 अप्रैल बैसाखी का दिन, और उस दिन जब 13-14 अप्रैल का वो बैसाखी का दिन था जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड से लगभग 13 दिन पहले भी एक दिल्ली में घटना होती है जिसमें स्वामी श्रद्धानंद जी का वो कर्तव्य दिखाई देता है, उनका वो साहस और अदम्य साहस बल्कि मैं कहूँगा वो दिखाई देता है। यदि वो काम अमृतसर में भी उस दिन हो जाता बैसाखी के दिन, तो शायद सैकड़ों लोग जो मारे गए जिनकी शहादत हुई वो नहीं होती। दिल्ली के चांदनी चौक पर जब रोलेट एक्ट के विरोध में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा था, पलवल के अंदर महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके विरोध में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया चांदनी चौक के ऊपर, वहाँ पीपल पार्क के नाम से एक जगह थी, वहाँ पर जब उनका बड़ी हाजिरी में एक बड़ा आंदोलन हुआ, बड़ी गैदरिंग वहाँ इकट्ठी हुई, तब अंग्रेजों ने डराने के लिए कहा कि आप यहाँ से उठ जाइए। और उस समय गोरखों की जो फौज थी जो अंग्रेज की तरफ से काम कर रही थी, उनको संगीने तान करके निहत्थे लोगों के सामने खड़ा कर दिया गया। तब स्वामी श्रद्धानंद उस साहसी, देखिए उस सन्यासी का साहस कितना ऊंचा था, वो अपनी छाती खोल करके चांदनी चौक के सामने और उन नंगी संगीनों के सामने, अंग्रेजों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि यदि हिम्मत है तुम्हारी इन संगीनों में तो मेरी छाती के ऊपर चला करके दिखाइए, इन निहत्थे लोगों के ऊपर तो बाद में गोलियाँ चलेंगी, पहले मेरी छाती के ऊपर गोली चलेगी। उस समय पहले 2 फिर 8 संगीने उनके सामने रही, पर अंग्रेज अधिकारी ने उनको साहस का देख करके वापस बुलाया और वो जुलूस आगे गया, राम जो लाल किला आज भी बना हुआ है दिल्ली में जाकर के देखेंगे, वहाँ तक वो जुलूस निकाला गया। और उसका परिणाम ये निकला कि जिस महात्मा गांधी जी को पलवल में गिरफ्तार किया गया था तो उसको छोड़ना पड़ा। ठीक 13-14 दिन के बाद अमृतसर में ये घटना होती है, जलियांवाला बाग में भी रोलेट एक्ट के विरोध में इस तरह का सत्याग्रह होता है और वहाँ जनरल ओडवायर अपनी गोलियों से जो है वहाँ लोगों को भून देता है। साहसी व्यक्ति जब सामने आकर के कोई कदम उठाता है तो लोग उसका अनुसरण करते हैं। उस जलियांवाले बाग की दहशत पूरे देश में इतनी फैल गई कि उस समय की कांग्रेस जो आज़ादी का दूसरा नाम था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम खड़े होकर के इस आज़ादी के आंदोलन को दोबारा शुरू कर सकें। तब 1919 के 34वें कांग्रेस अधिवेशन की जब ये बात आई कि इसके आयोजन में कौन आदमी भूमिका कर सकता है, तो स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम उसमें चुना जाता है। और वह भी इसलिए क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जब गुरुकुल में 60-70 हज़ार लोगों के कार्यक्रम आयोजित करते थे, तो उस
की व्यवस्था को देख करके खुद महात्मा गांधी और बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, ये सब लोग जो है उनकी इस व्यवस्था के कायल थे। उनको पता था कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी व्यवस्था कर सकता है। स्वामी श्रद्धानंद जी को स्वागताध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस के अधिवेशन का, और अमृतसर में जब वो अधिवेशन हुआ उसमें बहुत कुछ घटनाएं हुई, वो मैं बाद में कहूँगा, स्वामी जी उसके ऊपर जरूर प्रकाश डालें। पर मुझे इतना कहना है कि उस अधिवेशन के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। तिलक जी के युग का वहाँ से लगभग अंत हो जाता है और महात्मा गांधी के युग की शुरुआत होती है। उस समय इस अधिवेशन के एक साल के बाद तिलक जी की मृत्यु भी हो जाती है। उस समय उनका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने खुद भी ये कहा कि आगे का आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उस इतने बड़े अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी, पहली बार कोई स्वागताध्यक्ष वहाँ खड़े होकर के हिंदी में भाषण देते हैं, और उसी समय 1919 में दूसरी बात रखते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन को यदि लड़ना है तो ऊंच नीच की जो खाई बनाई गई है, छुआछूत का जो जहर देश में फैलाया जा रहा है, उसको आज रोकने की आवश्यकता है। और वो अस्पृश्यता निवारण का कानून बनाने के लिए, अस्पृश्यता के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस में प्रस्ताव रखते हैं। बाद में कांग्रेस ने उस अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन को अपने हाथ में लिया और लोगों के बीच में गए। उसी के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने आ रही थी, जब दिल्ली के अंदर हिंदू और मुसलमान के आपस के झगड़े भी होते थे, हिंदू और मुसलमान का खून दिल्ली की सड़कों पर बहता था, उस समय आज़ादी के आंदोलन को यह देखते हुए कि यदि इसी तरह का हिंदू मुसलमान के झगड़े इस देश में होते रहे तो यह आज़ादी का आंदोलन 50 साल पीछे चला जाएगा। तब स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली की सड़कों पर उतरते हैं और हिंदू और मुसलमान को एक करने की बात करते हैं, एक साथ लेकर के चलते हैं। और आप पद मापिए स्वामी श्रद्धानंद जी का, और इतिहास के पन्ने साक्षी हैं, पहली बार और अंतिम बार एकमात्र भगवाधारी सन्यासी जामा मस्जिद की मिंबर पे बैठ करके वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए कहता है कि यदि देश को आज़ाद करवाना है तो हिंदू और मुसलमान को एक होकर के इस राष्ट्रीय आंदोलन में आगे आना पड़ेगा। और उस साहसी सन्यासी की मैं कहना चाहता हूँ, चाहे संगीनों के सामने अपनी छाती खोलने की बात हो, चाहे जामा मस्जिद की मिंबर पे बैठ करके राष्ट्रीय एकता की करने की बात हो, चाहे कांग्रेस के अधिवेशन को आगे बढ़ाने की बात हो, कांग्रेस के आंदोलन में दोबारा से जान फूंकने की बात हो, तो ये एकमात्र स्वामी श्रद्धानंद जी में दिखाई देती है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो काम किए वो ऐतिहासिक काम किए, और मुझे लगता है कि वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जब भी उन्होंने किया काम किया उससे पहले कहीं वो इतिहास के पन्नों में दिखाई नहीं देता है। हिंदू मुसलमान को एक होने की बात सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। हिंदी को 6 अप्रैल 1913 की भागलपुर की ये घटना है, जब हिंदी साहित्य का चौथा महाधिवेशन आयोजन किया गया, उस अध्यक्ष स्वामी श्रद्धानंद जी को बनाया गया, तो पहली बार उन्होंने कहा कि आज हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की आवश्यकता है। बाद में बहुत लोगों ने कहा और उसका परिणाम ये रखा कि आज़ाद भारत में आज हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान रहे हैं, तो इसकी जड़ में भी कहीं ना कहीं स्वामी श्रद्धानंद जी दिखाई देते हैं। इसी उपरकुल कांगड़े की बात है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ जब ये देखा जा रहा था कि बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, और आप पढ़ करके देखेंगे इतिहास के वो काले पन्ने जब लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता और माँ के नाम पत्र लिखे, वो जब उसमें वो लिखते हैं कि मैंने हिंदुस्तान के लोगों के लिए ऐसी शिक्षा पद्धति लागू कर दी है जो आने वाले 100 वर्षों के बाद अपने इतिहास को भूल जाएंगे, वो वेदों की संस्कृति को भूल जाएंगे, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भूल जाएंगे, मैंने ऐसा काम कर दिया है। उस लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के खिलाफ स्वामी दयानंद जी के विचारों को मूर्त रूप देने का काम किसी एक व्यक्ति ने किया तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। जब 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की, और वो आज का कांगड़ी नहीं, गंगा की 4 धाराएं पार करके उसका गुरुकुल के अंदर जाना पड़ता था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने इन कार्यों को मूर्त रूप देने का काम किया है। इनके बहुत बहुत बड़े ऐसे ऐसे काम हैं जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किए। लंबी चौड़ी बात न करते हुए सिर्फ इतना ही निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूँ, स्वामी श्रद्धानंद जी का जो अंतिम संदेश था, जो उन्होंने 5 वाक्य कहे थे, उनको जीवन में उतारने की आज आवश्यकता है। आज मुझे दुख इस बात का भी है, बहुत से लोग स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस को मुस्लिम विरोधी दिवस मना रहे हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी हमेशा ये बात कहते थे कि हम किसी के विरोधी नहीं हैं। 7 लाख मुसलमानों को स्वामी जी ने शुद्ध करके वैदिक धर्मी बनाया, वैदिक धर्मी बनाने की आज आवश्यकता कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के इस बलिदान दिवस को शुद्धि दिवस में आप मनाइए, किसी की हत्या करके आप कोई काम नहीं कर सकते, विचारों के आधार पर आप उनको बदल करके वैदिक धर्मी बनाने का काम करेंगे तो स्वामी श्रद्धानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर 5 यज्ञों को करना चाहिए, 5 यज्ञों की प्रतिष्ठापना का संकल्प उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि जातिवाद को, जात पात के जहर को मिटा करके एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए,
चाहिए, इसी का आधार बना करके उन्होंने अपने दोनों बेटों के और बेटियों की शादी भी जातियों को तोड़ करके की। अब जब गुरुकुल स्थापना करके पहला बच्चा वहाँ दाखिल कराने की बात की तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जिगर के टुकड़ों को गुरुकुल में सबसे पहला विद्यार्थी बनाया। जब दान मांगने की बात आई तो अपने जलंधर की कोठी को बेच करके उन्होंने गुरुकुल में दान दिया। ऐसे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। आज हम ये संकल्प लेकर के जाएं, चाहे हम शुद्धि आंदोलन की बात करें, चाहे गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाने की बात करें, चाहे हिंदू मुस्लिम एकता की बात करें, चाहे जात पात खत्म करने की बात करें, चाहे नशाखोरी खत्म करने की बात करें, एक संकल्प यदि हम लोग लेकर के चले गए और स्वामी जी के कार्यों को आगे बढ़ा पाए तो सही मायने में हम लोग स्वामी श्रद्धानंद जी के सपनों को साकार कर सकेंगे और यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। एक बार एक जय का नारा और लगाएंगे ताकि पुण्यभूमि तक वो आवाज पहुंचे जहां से स्वामी श्रद्धानंद जी ने इस आयोजन का शंखनाद किया था। स्वामी दयानंद की, स्वामी दयानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।